अपनी नई कक्षा का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखिए। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जिन्होंने नहीं किया, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो भी अपडेट होती रहे। अपनी नई कक्षा का वर्णन करते हुए अपने दादाजी को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पता यानी के एड्रेस। B1 कृष्णा नगर, नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2000, जो भी आप डेट लिखना चाहते हैं और सन के हिसाब से। पूजनीय दादाजी, तो दादाजी को हम क्या लिखेंगे? पूजनीय। पूजनीय दादाजी साधन चरण स्पर्श, यानी कि हम उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। मैं यहाँ कुशल से हूं और प्रभु से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। दादाजी आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं 8वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मैं 9वीं कक्षा में आ गया हूँ। मेरी अध्यापिकाएं भी नई हैं, लेकिन सहपाठी वही हैं। अब पढ़ाई थोड़ी कठिन हो गई है। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छे अंकों से पास होऊंगा। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए मैं आपके पास जरूर आऊंगा। बाकी बातें मिलने पर होंगी। दादी जी को, चाचा जी को व चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता, उसके बाद आपका नाम। इसमें आप कक्षा को चेंज भी कर सकते हैं कि आप कौन सी कक्षा के लिए अपने दादाजी को लिख रहे हैं, और एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं।